मेरे को बता रही है, तुम्हें शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो हमने कर लिया था, बट अभी हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स है क्या, व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स की बात करें तो देखो, यूनिवर्स मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में बात करें, चाहे एक स्मॉल पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से लेके, डस्ट पार्टिकल से लेके, चाहे आपके पास कोई बड़ा प्लेनेट है, कुछ भी है, स्टार्स है, राइट, गैलेक्सीज, वो सारा किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई, जो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे फ्रॉम द गैलेक्टिक मेगा क्लस्टर से, मतलब एक जो ह्यूज गैलेक्सी है वहां से लेके आपके पास, कि आपके पास एक गैलेक्सी से लेके एक स्मॉल टीनी पार्टिकल तक, मतलब टीनी पार्टिकल मींस एक डस्ट पार्टिकल भी अगर हम बात करें, वो सारा क्या कंप्राइज करता है आपके पास, यूनिवर्स फॉर्म करता है, राइट। तो यहां पे अगर बात करें तो अब देखो, यहां पे सीधी सी बात बोलते हैं कि वर्ड यूनिवर्स जो है वो डिराइव, देखो ये मैं पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, इसमें पढ़ना क्या है, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इन नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब देखो, ये जो वर्ड यूनिवर्स है ना, ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, यूनिवर्सम, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब रोमन जिसको यूज करते थे टू डिस्क्राइब द ग्लोब एंड द कॉस्मोस, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2015 में जब साइंटिस्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो आपके पास यूनिवर्स की जो एज है वो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो चुका है यूनिवर्स, तो ये 2015 के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे डाटा दिया था, राइट। तो ये बात याद रखना। इसके बाद अब देखो, यहाँ पे हमने बात करी कि यूनिवर्स में क्या होगा, आपको गैलेक्सीज मिलेंगी, नंबर ऑफ गैलेक्सीज मिलेंगी, जिसमें से एक गैलेक्सी जो है वो है आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये गैलेक्सी कौन सी है, जिसमें ये हमारी गैलेक्सी है जहां पे हम रहते हैं, राइट। तो ये बात याद रखना, ये हमारी गैलेक्सी है, हाँ। और देखो, जब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात बोली गई कि यहाँ पे देखो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि गैलेक्सीज जो है किससे हम, मतलब कि उनकी स्टडी जो है या फिर गैलेक्सीज को किसके थ्रू देखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, दैट मीन्स गैलेक्सीज को फाइंड आउट करते हैं, उनको देखते हैं, राइट। तो ये याद रखना कि कौन सा टेलीस्कोप चलता है, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से जो है हम गैलेक्सीज को देख सकते हैं, राइट। अभी बात करें तो ये हमने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में बिग बैंग थ्योरी की, जो बिग बैंग थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल है फॉर द रीजन ऑफ द यूनिवर्स। अब बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या किया था साहिल, हमने यहाँ पे बात करी थी बिग बैंग थ्योरी की, अगर बात करें अब बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला था कि सबसे पहले ओरिजिनली जो था आपके पास जो एटम यहाँ पे यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स जो कंप्राइज करता है वो एक स्मॉल टिनी बॉल में एग्जिस्ट करता था, और जिसकी क्या था आपके पास स्मॉल वॉल्यूम था, और इनफिनाइट डेंसिटी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक्सप्लोड कर गया। और जैसे ही एक्सप्लोजन यहाँ पे हुई, तो ये एक्सप्लोजन जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब ये जो सारे पार्टिकल जो थे वो स्कैटर्ड कर गए, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास जो है यूनिवर्स जो है फॉर्म हो गया। अब देखो, एक बोलता है कि यहाँ पे जो है ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करता है,
तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया, इट मींस कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि देखो यूनिवर्स में हमें क्या मिलेंगी, यहाँ पे गैलेक्सीज मिलेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैलेक्सीज है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा कि गैलेक्सीज का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में जो स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये बात याद रखना जो हमने पहले करी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नेबुलर हाइपोथेसिस सारी हाइपोथेसिस हमने करी थी, ठीक है। तो इसमें याद रखना एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स द स्पेस जो होगा बिटवीन द गैलेक्सीज वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है चलो ये तो बाद में कर लेंगे। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स क्या कंप्राइज करता है, देखो यूनिवर्स जो है आपके पास मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। एक होगा आपके पास नॉर्मल मैटर, एक होगा आपके पास डार्क मैटर और एक होगा आपके पास डार्क एनर्जी। नॉर्मल मैटर जो आपके पास प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, राइट, जो आपके पास गैसेस हैं, वो सारे स्टार्स हो गए, वो सारे आ गए आपके पास नॉर्मल मैटर में, ठीक है। दैट मीन जो एटम दैट मेक अप स्टार्स, प्लैनेट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एवरी अदर विजिबल ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल मैटर, राइट। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, जो 4% आपके पास रहेगा। स्टार आपके पास 0.5% रहते हैं, न्यूट्रिनो आपके पास 0.3% रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और उनका बहुत ही लिटिल मास होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये जो क्रिएट किए जाते हैं, जो एनर्जेटिक कोलिजन, मतलब एनर्जेटिक कोलिजन होती है बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा आपके पास, न्यूट्रिनो होगा, मतलब न्यूट्रिनो में आपके पास कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हैवी एलिमेंट्स, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए एटसेट्रा, ये सारे मतलब प्लैनेट्स हो गए आपके पास, एस्टेरॉइड्स हो गए, ह्यूमन बीइंग, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर की, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। डार्क एनर्जी देखो 73% आपको डार्क एनर्जी मिलेगी और डार्क मैटर मिलेगा आपको 23%। अब देखो डार्क एनर्जी मतलब यहाँ पे मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दिया कि मतलब मिस्ट्री है, यहाँ पे है भी नहीं भी हो सकती है, बोला मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्प्रेड आउट होती है, कहां पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होगी, कहां पे, पूरे स्पेस में, थ्रू आउट स्पेस, एंड विच हैज एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी दैट मीन जहां पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसको बोल देंगे हम डार्क एनर्जी। तो ये याद रखना, समटाइम क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन होगा तो वहां पे डार्क एनर्जी में ये तो बोल दिया जाएगा स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट स्पेस, और सेकंड में यहाँ पे बोल दिया जाएगा विच हैज ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी ग्रेविटेशनल और नॉन ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डार्क एनर्जी की आपको देखने को मिलेंगी। इतनी बात क्लियर। इसके बाद चलो डार्क मैटर पे। अब देखो डार्क एनर्जी तो हो गया कि एनर्जी है विद एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। अब डार्क मैटर एग्जिस्ट करेगा, डार्क मैटर है दैट मीन्स वो हमें क्या नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, नॉट विजिबल। बट हाँ, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू, राइट। तो ये है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड आपके पास हैवी मैटर्स हो गए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल मैटर्स एंड हैवी मैटर्स, ये क्लियर हुआ, इतना याद रखना। चलो अब चलते हैं हम गैलेक्सी की तरफ। गैलेक्सी, अब देखो गैलेक्सी में आपके पास क्या होगा, यूनिवर्स का ही पार्ट है गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में आपको क्या मिलेगा, मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, वो कौन सी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है, आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखो गैलेक्सी क्या बोल दिया, इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियन और बिलियन, मिलियंस भी हो सकते हैं, बिलियंस में भी हो सकते हैं, आपके पास स्टार्स एंड प्लैनेट्स
जो एक दूसरे को हेल्ड करेंगे, मतलब उस गैलेक्सी में ही रहेंगे, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, राइट? तो यहाँ पे ये याद रखना, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आपके पास क्या बोला, ये जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, मतलब उनमें से एक गैलेक्सी है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी, जो कौन सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो अर्थ है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब जो हमारी गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे, जिसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब ये जो गैलेक्सीज होती है डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको मिलेंगी, ठीक है। अब जो हमारी गैलेक्सी है वो स्पाइरल है शेप में, लाइक दिस, ठीक है, तो याद रखना। और रिवर मिल्की, ठीक है, मतलब ये जो है आकाश गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपीयर होती है कि एक मिल की तरह जो है यहाँ पे जो है एक मतलब वेव चलती है अर्थ स्काई में, राइट, तो उसकी वजह से इसको मिल्की वे नाम दे दिया गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियरेस्ट गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी के और हमारी गैलेक्सी के वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। और उसके डिस्टेंस की बात करें तो वो है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, एंड्रोमेडा जो है स्पाइरल ग्लैक्सी, और इसकी शेप भी आपको स्पाइरल में मिलेगी। अब मैंने लाइट ईयर्स की बात करी थी, लाइट ईयर क्या करता है, आपके पास डिस्टेंस मेजर करता है, लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, जिसको हम मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कि एक साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, राइट, वो मैंने बताया था कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। तो उसको मतलब इसको मेजर किया जाता है टू, सॉरी, इसको यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस। तो ये देखो, ये है आपके पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दिस वन, और इसी के साथ ऊपर जो आपको मिलेगी वो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, क्लियर? चलो अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। अब सोलर सिस्टम की बात करें, अब देखो सोलर सिस्टम भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। और सोलर सिस्टम जो है हमारा, मतलब सोलर सिस्टम किस में एग्जिस्ट करेगा, कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी में। तो देखो सोलर सिस्टम भी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मतलब एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट। दैट मीन्स ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है किसका? सन का, एंड द ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट करते हैं। देखो या तो वो अपनी एक्सिस पे अराउंड करेंगे, एक तो होता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, और एक रेवल्यूट करते हैं थ्रू आउट सन, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं। तो वो किसकी वजह से है? वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ हम बात करें तो सोलर सिस्टम में क्या ऑब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास? मेनली तीन ऑब्जेक्ट्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया स्टार, जो हमारा सोलर सिस्टम का एक ही स्टार है जिसका नाम है आपके पास सन, ठीक है। सन जो है, दैट मीन सन जो है एक प्लेनेट भी है, सन इज अ स्टार, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ गए प्लैनेट्स, ठीक है, जो किसके अराउंड जो है जाते हैं, किसके अराउंड? सन के अराउंड। दैट मीन ये क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन, रिवॉल्व करेंगे अराउंड सन के, ठीक है। और सैटेलाइट्स, हर एक प्लैनेट, मतलब हर एक प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट होगी, राइट, जो मतलब अपने प्लैनेट को, मतलब जिस प्लैनेट की वो सैटेलाइट है वो उसके अराउंड जो है वो क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। देखो रिवॉल्व, अगर आप किसी दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो ना, तो मतलब किसी दूसरे के अराउंड घूम रहे हो उसको बोल देंगे रिवॉल्व। अगर आप अपनी एक्सिस पे घूम रहे हो तो उसको बोल देंगे हम रोटेशन, राइट। अब देखो जो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, मून के बारे में भी हम करेंगे, ठीक है। अब मून की, जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी की थी किसके रिस्पेक्ट में? यूनिवर्स के एक्सपेंशन के, तो हम यहाँ पे करेंगे बिग सप्लैट थ्योरी, ठीक है। बिग सप्लैट थ्योरी किसके फॉर्मेशन के रिगार्डिंग? मून के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो भी डील करेंगे हम, राइट। चलो चले आगे। चलो अब देखो, अब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? एक तो हमारे पास आ गया स्टार,
स्टार जो हमारा क्या है, सन। सन को क्या बोला जाता है, स्टार। साथ में पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, रिसेंटली वी हैव 8 प्लैनेट्स, एक हमारे पास है ड्वार्फ प्लैनेट जो है प्लूटो, एंड नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलेगी, और भी कुछ हमें सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, जिसकी बात हम सारे करेंगे, राइट। अब मैं कॉमेट्स में बताऊंगा, कॉमेट्स रिसेंटली एक न्यूज में था, जैन और फेब के बीच में ग्रीन कॉमेट, उसकी बात भी करेंगे कि होता क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें डील करेंगे वन बाय वन। राइट तो देखो यहाँ पे देखो प्लूटो को ना डिनोट कर दिया गया है, यहाँ पे डिमोटेड आ गया, बट यहाँ पे आएगा डिनोट, राइट। प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया था, कब बोला गया था ये याद रखना, 26 जनरल असेंबली हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जो कहाँ पे हुई थी, सजेक रिपब्लिक में हुई थी 2006 में, जिसमें इसको ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो सन ही है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जिसकी अपनी ऑन लाइट है और जो नीरेस्ट स्टार है अर्थ के, राइट। तो ये बात भी याद रखना, नीरेस्ट स्टार है अर्थ के, चलो। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे सोलर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे, ये देखो अभी इसको ऐसे ही याद कर लेना, बाकी तो हम बाद में करेंगे। ये देखो, ये हमारे पास आ गया सन, सन के बाद सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको ऐसे ही याद कर लेना, MBEM, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर आपके पास आएंगे गैसियस प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून भी बोलते हैं, नेपच्यून भी बोलते हैं, जो मर्जी बोलना है, ठीक है, अंग्रेजों की अंग्रेजी होती है, बस जैसे आपको याद रहता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। ये आपके पास आ गए टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स, और फिर आपके पास आते हैं गैसियस प्लैनेट्स, ये भी करेंगे, जब हम आज तो नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर हम डिटेल में करेंगे, वन बाय वन एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे, चलो। अब बात करते हैं स्टार्स की, स्टार्स का देखो हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्स के बारे में किया था, तो अभी हम इसके बारे में नहीं करेंगे, राइट। तो जो हमने यहाँ पे बात करी थी, बट फिर भी एक बार थ्रू आउट हो जाते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, कि देखो स्टार्स का हमने पहले भी बात करी थी, मैंने यहाँ पे सीधा सा बात बताई थी, बर्थ टू डेथ तक, तो यहाँ पे भी सीधी सी बात बोली गई है कि स्टार जो है हमारे पास ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज है, जिनकी अपनी ओन लाइट होती है एंड अदर रेडिएंट एनर्जी होती है, जिसको बोला जाता है स्टार। एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग गैसेज होती है, जिसमें हमने बोला था हीलियम, और हीलियम के साथ ही हमने, सॉरी, हाइड्रोजन की बात करी थी, हाइड्रोजन के साथ ही हमने यहाँ पे एक प्रोसेस की बात करी थी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की। तो सबसे पहले जो है आपके पास कौन सा स्टार बनता है, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद हमने जब लास्ट लेक्चर में किया था, उसके बाद आपके पास आएगा रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार के बाद आपके पास आएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स कि उसका फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमने बात करी थी चंद्रशेखर लिमिट की। चंद्रशेखर लिमिट की जब हमने बात करी थी, तो यहाँ पे मास ऑफ द स्टार पे डिपेंड कर रहा था, वो प्रोटॉन बनेगा और न्यूट्रॉन बनेगा, है ना, यही बात करी थी, याद है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक इमेज होगी, उसमें भी बात की होगी, देखो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करी थी, तो ये हमने किया हुआ है, इसलिए नहीं मैं करवा रहा, चलो। हाँ, अब ये याद रखना, ये पॉइंट याद रख लेना कि जो हमारे नियरेस्ट स्टार जो है अर्थ के, वो है सन, जो हमने अभी बात करी। अब उसके बाद, सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो है आपके पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड उसके बाद है अल्फा सेंचुरी, देन एंड उसके बाद है आपके पास रेडिएंट एनर्जी। तो अब आपका काम क्या है कि अब आप डिस्टेंस देखोगे कि कितने डिस्टेंस पे आपके पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ,
कितने पे आपके पास अल्फा सेंचुरी है, राइट। इनका डिस्टेंस देखना, लाइट ईयर्स में ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ये जाके सर्च करना, ये आपका काम। अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। अब कॉन्स्टिलेशंस की बात करते हैं। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? अब देखो आपको ना समटाइम क्या होगा, यहाँ पे स्काई में कुछ आपको ना ऐसे क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स जो है, और मतलब एक कुछ शेप्स मिलेंगी स्टार्स की बनी हुई, ठीक है, कोई एक इमेजिनरी शेप भी बोल सकते हो, मतलब स्काई में आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स होता है, मतलब स्टार्स मिलके क्या बनाएंगे, एक स्पेसिफिक शेप बनाएंगे, इमेजिनरी शेप होगी स्काई में, जिसको हम बोल देंगे कॉन्स्टिलेशन। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कितने टोटल कॉन्स्टिलेशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है गैलेक्सी में, ठीक है। तो ऑब्वियसली 88 कॉन्स्टिलेशन जो है रिकॉग्नाइज है गैलेक्सी में, ठीक है। अब देखो ये कॉन्स्टिलेशन किसमें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं नेविगेशन में। जो आपके पास बड़े बड़े सी वेसल्स होते हैं ना, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं कि नॉर्थ की साइड में है, ईस्ट की साइड में, तो यही हेल्प करते हैं उनके नेविगेशन में, राइट। क्योंकि वहां पे कोई ऐसे रोड तो होते नहीं, वहां पे कोई साइन बोर्ड तो लगे नहीं होते जी, हाँ जी इजिप्ट इतने किलोमीटर रह गया, या फिर चंडीगढ़ इतने किलोमीटर रह गए, जैसे यहाँ पे लगा होगा ये दिल्ली इतने किलोमीटर है, तो आपको उसमें तो रहेगा नहीं। तो इसमें यही इनकी जो है, यही चीजें जो है स्टार जो है हेल्प करते हैं इनको, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में इनको जाने, नेविगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है आपके पास पोल स्टार, और जिसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस है, जैसे ओरियन हो गया, बिग डिपर हो गया, ग्रेट बियर हो गया, ठीक है, कैसोपी हो गया, ये सारे जो है। बट हम सीधा आते हैं नीचे, चलो। अब देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ इसमें जो है मेजर जो कॉन्स्टिलेशन एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, उनके बारे में बात करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते। पहले आपके पास आएगा उर्सा मेजर, ठीक है। इनमें देखो आपको क्या याद रखना है, उर्सा मेजर मतलब जिसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन होगा कि ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन जो है उसको किस और नाम से जाना जाता है, उर्सा मेजर, या फिर उर्सा मेजर कोई पूछ लेंगे कि किस और नाम से जाना जाता है, एंड बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सीधी सी बात बोली गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको एज अ बियर की तरह अपीयर होगा, ठीक है, और ये लार्जेस्ट नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिलेशन जो है वो कौन सी है, उर्सा मेजर। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और अगर थ्रू आउट मैं बात करूं तो ये जो है आपके पास थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है स्काई की, ये पूरे हेमिस्फीयर मतलब पूरे अर्थ की बात करें, पूरे जो आपके पास अर्थ है वो हमने बात करी कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट थ्रू आउट अगर नॉर्दर्न और सदर्न को दोनों को लेके चले तो ये जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है स्काई की, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा उर्सा माइनर, उर्सा माइनर जिसको आप किस नाम से जानते हो, लिटिल बियर के नाम से जानते हो, एंड वन ऑफ द 48 कॉन्स्टिलेशन जो है उनमें से एक है जिसको लिस्ट किया गया था बाय पटॉलमी ने, ठीक है, पटॉलमी ने अर्ली सेकेंड सेंचुरी में जिसको लिस्ट किया था, ठीक है, ये बात याद रखना। और देखो यहां पे सीधी सी बात बोली गई, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि विच इज द बेस्ट मंथ टू सी द उर्सा माइनर इन द नॉर्दर्न स्काई, तो वो है आपके पास जून जो है वो बेस्ट मंथ है। तो ये आप इसकी शेप देख सकते हो उर्सा माइनर की, ऐसा दिखेगा आपको, कभी दिखेगा तो देखना, ठीक है। और ये है उर्सा मेजर, कभी अब आपको ऐसी टाइप ऑफ कॉन्स्टिलेशन अगर दिखेगी तो उसी टाइम आप पहचान जाओगे स्काई में कि इसको उर्सा मेजर बोला जाता है, राइट। और देखो जब उर्सा माइनर अभी जून मंथ में दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ में ये आपको दिखने वाला है, कभी ऐसे दिखेगी शेप बनी हुई तो उसी टाइम अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को बुलाना और बोलना इसको उर्सा माइनर के नाम से बोला जाता है, और किस नाम से बोला जाता है, लिटिल बियर के नाम से भी बोला जाता है, तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ बच्चे को पता है, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं ओरियन कॉन्स्टिलेशन की, जिसको अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है,
एंड द लाइट ऑफ द हेवंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ओरियन कॉन्स्टिलेशन जो है ना, इसमें थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखो यहां पे क्या बोला कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये आपको कहां पे दिखेगा, साउथ वेस्ट स्काई में दिखेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो साउथ वेस्ट की तरफ ये आपको दिखेगा, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको दिखेगा। मतलब अपोजिट कर लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ वेस्ट में आपको दिखेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा, और अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो और नियर टू इक्वेटर हो तो ये आपको कहां पे दिखेगा, वेस्टर्न स्काई में दिखेगा। तो ये याद रखना, मतलब वेस्टर्न तो साइड में ही ये आपको दिखेगा, बस हो जाएगा कि इक्वेटर में है तो वेस्टर्न साइड आपको दिखेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आप हो तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न स्काई में ये आपको दिखेगा, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपको साउथ वेस्ट स्काई में ये आपको दिखेगा। तो ये बात याद रखना, तो ऐसी जैसी इसकी फॉर्मेशन रहेगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा लियो मेजर। लियो मेजर जिसको प्टॉलमी ने डिस्कवर किया था इन अर्ली सेकेंड सेंचुरी में, ठीक है। अब इसको जो है जनवरी टू जून में हम देख सकते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हो सके तो आज शाम को भी देखना। एंड इज द 12th लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन साइज, ठीक है। ये जब आप देखोगे नाइट में स्काई में तो मे भी हो सकता है आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखना कभी कि ये आपको लियो दिखी कि नहीं दिखी, राइट। आज देखना क्योंकि जून तक ये दिखती है तो आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सन, आज हम सन तक करेंगे, उसके बाद जो है कल फिर हम प्लैनेट स्टार्ट करेंगे, राइट। अब बात करते हैं सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का, और वी कैन से हमारे सोलर सिस्टम का एक ओनली स्टार है, ठीक है। आर सोलर सिस्टम जिसकी अपनी एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, एंड एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे मेनली जो आपके पास सन के पास जो कंप्राइज करेगा ये गैसेस होंगी, हॉट गैसेस होंगी, जिसमें आपको हाइड्रोजन तो मिलेगी मिलेगी यार, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक मेन सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी हीलियम में, जो हमने किया था, ठीक है, जैसे स्टार में हमने किया था। तो सेम सन भी एक स्टार है, तो इसमें हाइड्रोजन कंटेंट रहेगा ही रहेगा। हाइड्रोजन जो है आपको 70% मिलेगी। वहीं पे हीलियम की बात करूं तो हीलियम जो है उसकी परसेंटेज 26.5% रहेगी, और अदर्स की जो है 3.5% आपके पास अदर गैसेस आपको रहेंगी। अब इसके साइज की बात करें तो सन जो है इसका साइज 109 times बिगर है देन द अर्थ, और जो इसका वेट है वो 2 × 1027 tons आपको देखने को मिलेगा। अब देखो किसी बुक में जो ये यहाँ पे बात कर रहा है मास ऑफ द सोलर सिस्टम का, मतलब 99.83, कहीं पे आपको 99.86% भी मिलता है, बट एक्चुअल में 99.83% है सन का मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम का, 99.83 मास ही किसका है, सन का है। तो ये बात भी याद रखना, किसी बुक में आपको 99.86% भी मिलेगा। ये ऐसे आपको समझ आ रहा है कि जैसे मैं पहले करवाता था वैसे करवाऊं, कि ऐसे नोट्स में साथ साथ में बताता जाऊं, तो वो ये ज्यादा सही लग रहा है कि पहले जैसा ज्यादा सही लग रहा है। साहिल कैसे सही लग रहा है, जो पहले जैसे पहले करते थे वैसे सही था कि आज आज वाला भी सही चल रहा है? ये भी सही है, पर वो पहले वाला सही था, वैसे पहले वाला सही था, फिर वैसे ही करेंगे कल से, ठीक है, आज वैसे कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे जैसे पहले करते थे ना वैसे करेंगे, फिर अब इसमें ऐसे कर लो, ठीक है, कल के लिए फिर वैसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैं साथ साथ में पॉइंट बता रहा हूँ ना जियोग्राफी में, कोई नहीं कल से फिर वैसे कर लेंगे, ठीक है। चलो अब इसके साइज की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सोलर सिस्टम में वैसे कर लेते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में ऐसे कर लेते हैं ना, क्योंकि सोलर सिस्टम में बताने वाले ही होते हैं, उसमें लिखवाने वाले होते हैं, तो इसको साथ साथ में ऐसे डील कर लेते हैं, फिर जब हम दूसरे प्रोसेसेस जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वगैरह करेंगे, उसमें फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या है, उसके बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा, फिर आप पीडीएफ से पढ़ते रहना, ठीक है। तो एक दो लेक्चर के लिए ऐसा कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर वैसे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम में इसमें लिखवाना पड़ता है ना, तो इससे बेटर मैं नहीं बता दूं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है रीमा। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, हाँ अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने पहले बोला कि प्रोसेस में, मतलब यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रहेगी, जिसमें हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट होती है हीलियम में,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना कंपोजिशन ऑप्शन में हाइड्रोजन आपको 74.9% मिलेगी, बी पे हीलियम जो है आपको 23.8% मिलेगी और मेटल जो है वो 1.3% मिलेंगे। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ द सन, अब थोड़ा सा एक इमेज देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा सन का, सबसे पहले इंटीरियर पार्ट जो है वो आपको मिलेगा कोर, ठीक है। कोर के बाद एक जोन आता है रेडिएटिव जोन, फिर आपके पास आएगा कन्वेक्शन जोन, ठीक है। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे फोटोस्फीयर जो सबसे पहली विजिबल लेयर होती है सन की, ठीक है। फिर आपके पास आएगा क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, जो एटमोस्फीयर ऑफ द क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो है वो एटमोस्फीयर है सन का, राइट। उसके दो लेयर्स होती है। चलो अब एक एक डिस्कस करें। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सन में सबसे पहला जो आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा कोर। अब कोर जो है सन का, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर होता है, मतलब सबसे इंटीरियर पार्ट है तो अल्टीमेटली यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी यहीं पे मिलेगा और प्रेशर भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोर में मैं टेम्परेचर की बात करूं तो कोर में जो आपको टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपके पास कितना देखने को मिलेगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है आपको कोर में टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां से कोर से भी आपके पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिसमें कौन सी प्रोसेस अक्कर होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगी। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में दैट मीन्स आप देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि कोर ऑफ द सन जो है उसमें आपको कौन सी गैसेस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे कोर में, अब सन के कोर में एक प्रोसेस अक्कर होगी जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से, अब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अक्कर होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब कोर में जो सन की कोर है वहां पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी जैसे ही प्रोड्यूस होगी तो ये अब क्या करना स्टार्ट करेगी, आउटवर्ड जो है मूव करना स्टार्ट करेगी, रेडिएट होगी आउटवर्ड, राइट। अब देखो जैसे ये रेडिएट होना स्टार्ट करेगी आउटवर्ड, तो अब एक जोन आएगा आपके पास, रेडिएटिव जोन। ये बात याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रेडिएटिव जोन जो है ये एक मिड जोन होता है, वी कैन से कि ये एक आपके पास मिड जोन है, किसके बीच में, जो आपके पास कोर थी, ठीक है, एंड जो आउटर आपके पास कन्वेक्टिव जोन होगा, ठीक है। रेडिएटिव जोन क्या है, ये एक मिड जोन है बिटवीन द कोर एंड द आउटर, मतलब इनर मोस्ट कोर है एंड आउटर कन्वेक्टिव जोन के बीच में ये मिड पोर्शन होता है रेडिएटिव जोन। मतलब यहां से क्या होगा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान कोर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई अब वो रेडिएट होगी। तो देखो यहाँ पे एनर्जी जनरेट जो हुई न्यूक्लियर फ्यूजन में इन द कोर वो अब आउटवर्ड मूव करेगी, कौन सी रेडिएशन में, ये बात याद रखना, यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना कि आउटवर्ड जो मूव करती है वो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में करती है। ये बात क्लियर। अब चलो कन्वेक्टिव जोन की तरफ, पहला आ गया कोर, फिर आ गया रेडिएटिव जोन, फिर अब आपके पास आएगा कन्वेक्टिव जोन। अब इस जोन में देखो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो जो कोर का जो टेम्परेचर था ना वो अल्टीमेटली हाई टेम्परेचर था, ठीक है। अब ये रहा आपके पास कन्वेक्टिव जोन, ये वाला, ये है आपके पास कन्वेक्टिव जोन। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली जो कोर का टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्टिव जोन, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हो गई होगा। तो देखो यहाँ पे बोला कि अब देखो जब लास्ट हमने किया था ना फॉर्मेशन ऑफ स्टार में, तो मैंने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपके पास क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो अल्टीमेटली अगर टेम्परेचर ज्यादा है कोर का तो डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे देखो अब क्या बोला कि जैसे कन्वेक्टिव जोन में वो रेडिएशन आएंगी तो कन्वेक्टिव जोन में जो है टेम्परेचर जो हो जाएगा वो ड्रॉप कर जाएगा। कोर में टेम्परेचर हाई था, अब यहाँ पे कन्वेक्टिव जोन में टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है वो आपको टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा। तो अब क्या बोला, इस जोन के थ्रू अब क्या होगा, जो हॉट एंड लाइट डेंसिटी फ्लूड, मतलब जो आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आउटसाइड आई, मतलब
आउटवर्ड आई कहां से? कोर से, रेडिएटिव जोन की, रेडिएटिव जोन से होके, जिनका क्या था आपके पास, हाई एनर्जी थी, हाई टेम्परेचर था। अब जैसे ही वो लो टेम्परेचर वाले रीजन में एंटर करेंगी, कौन से रीजन में? कन्वेक्टिव जोन में, ठीक है। तो अब ये कन्वेक्टिव जोन भी क्या करेगा, उसको जो है अब आउटसाइड की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको? जो एनर्जी जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट होके आई कहां से? फ्रॉम द कोर से। अब इसके बाद ये कन्वेक्टिव जोन के बाद कौन सा लेयर आपके पास आएगी? फोटोस्फीयर। अब जो रेडिएशंस आपके पास कोर से ट्रांसमिट होते रेडिएटिव जोन से फिर कन्वेक्टिव जोन में आई, अब वो कौन से जोन में आएगी? फोटोस्फीयर। और यही फोटोस्फीयर जो है हमारे पास, जो लेयर हमें अभी, जो अगर हम बाहर जाके सन भी देखेंगे तो जो विजिबल लेयर होती है सन की, उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। यही हमें दिखती है, हमें उसका अंदर का पोर्शन नहीं दिखता, हमें कन्वेक्टिव जोन नहीं दिखता, हमें रेडिएटिव जोन नहीं दिखता, हमें कोर नहीं दिखती है, हमें कौन सा रीजन दिखता है? फोटोस्फीयर दिखता है, फर्स्ट विजिबल लेयर जो होती है सन की, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है फोटोस्फीयर में वो वेरी करता है, 6500 केल्विन होता है बॉटम में एंड 4000 केल्विन होता है टॉप में, ठीक है। और वहीं पे फारेनहाइट में भी आपको दिया हुआ है और सेल्सियस में भी इसको दिया हुआ है। अब इसी जोन में आपको क्या मिलेंगे? सोलर स्पॉट्स जो है वो मिलेंगे। सोलर स्पॉट मतलब यहाँ पे डार्क स्पॉट्स आपको मिलेंगे। डार्क स्पॉट्स क्यों? क्योंकि देखो जो एक्चुअल में जो सन का टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा वहां पे, तो अल्टीमेटली वो रीजन जो है हमें सराउंडिंग रीजन से थोड़ा सा डार्कर अपियर होगा, राइट, उसको बोल दिया जाता है डार्क स्पॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि जब सोलर स्पॉट जो है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलर स्पॉट जो है कौन सी लेयर में फॉर्म होते हैं, तो आपके पास फोटोस्फीयर में जो है सोलर स्पॉट्स फॉर्म होते हैं। और इनका जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे सोलर स्पॉट का, वो अराउंड 4500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात याद रखना। अब आते हैं सोलर स्पॉट्स की तरफ, चलो सोलर स्पॉट्स बाद में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, अब सोलर फोटोस्फीयर के बाद आपके पास जो कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाएगी? एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा सन का। सन का भी अपने एक एटमॉस्फेयर होता है। अब सन के एटमॉस्फेयर में आपको दो लेयर्स देखने को मिलती है, दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। अब क्रोमोस्फीयर जो है जिसका मतलब है स्फीयर ऑफ कलर्स, एंड इस लेयर को डोमिनेट किया जाता है बाय एमिशन ऑफ लाइन, बाय एमिशन लाइंस, मतलब यहाँ पे एमिटिंग रेज आपको दिखेंगी। अब कोरोना, ये कोरोना जब आपके पास एक्लिप्स लगता है ना, जब मतलब आपके पास ग्रहण लगेगा, उस टाइम पे जो आपको लेयर दिखेगी सन की वो कौन सी दिखती है? कोरोना लेयर दिखती है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की, हाई टेम्परेचर होता है इस रीजन में, ठीक है। तो कोरोना इज सीन इन फॉर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय आयरन, कैल्शियम एंड निकल आयंस, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, मतलब इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है, ये कोरोना का जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो यहाँ पे सीधी सी बात याद रखना कि ये लेयर जो है आपको कब दिखती है? सोलर एक्लिप्स के टाइम पे दिखती है, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेंगी। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ दोनों जल्दी से। बहुत है आज के लिए कि आगे भी कंटिन्यू करें, कि बहुत है इतना आज के लिए। क्लास लगी दे रही, ठीक है सर आज के लिए इतना, ठीक है रीमा आज के लिए। मैं इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ, फिर इतना पढ़ लो, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। इसमें हुआ तो शाम को मॉडर्न इंडिया की क्लास भी करते हैं आज, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू सर।